अस्सलाम वालेकुम, आज आपको बताएंगे कि आप अपना पेयोनियर का अकाउंट उसके साथ लोकल बैंक अकाउंट कैसे अटैच करें। तो इस वीडियो में हम जो अकाउंट अटैच करने लगे हैं वो बैंक अल्फला से है। आप कोई भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो इस वीडियो में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने पेयोनियर का अकाउंट बना लिया और आप उसमें अपना बैंक अकाउंट जो कि पीटीआर करेंसी में है वो अटैच करना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाए, पेयोनियर के अकाउंट पे लॉगिन हो जाए। ये मैं अपने पेयोनियर के अकाउंट पे लॉगिन हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है सेटिंग में बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पे पहले भी मेरा एक बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक है, तो मैं अब एक और अकाउंट लिंक करने जा रहा हूँ। तो पूछता है कि आपका अकाउंट जो है वो पर्सनल है या बिजनेस है, और ये एक अहम चीज़ है जो यहाँ से आपने चूज़ करनी है कि आपके अकाउंट की करेंसी कौन सी है। तो उसे आपने पीटीआर कर लेना है, कन्वर्ट करवा के आप इसको, जो लोग ये चाहते हैं कि उनका यूएसडी का अकाउंट अटैच हो जाए तो वो भी अटैच हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लोकल रूल्स के मुताबिक जो है वो डॉलर जो है वो आपके अकाउंट में वो शिफ्ट नहीं करते, उसके भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से पीटीआर हमने चूज कर लिया, यहाँ से पर्सनल चूज करके और नेक्स्ट कर। यहाँ पे आपसे जो डिटेल्स मांगेगा वो आपके चेक के ऊपर डिटेल्स आ रही होती है। बैंक का अकाउंट, बैंक नेम क्या है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपने ले लेना है। अल्फला लिखेंगे तो वो आ जाएगा। जो किसी लोगों को कंफ्यूजन है कि उनका बैंक है या नहीं तो वो देख लें, अलबरका है, अलाइड, अपना बैंक, अपना माइक्रो फाइनेंस, अस्करी बैंक, अल हबीब बैंक, अल्फला बैंक, इस्लामी बैंक, ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक, ऑफ खैबर बैंक, ऑफ पंजाब बैंक, ऑफ टोक्यो, मित्सुबिशी, बार्कले, बुर्ज बैंक, सिटी बैंक, और ये आपके सामने ज़्यादातर बैंक्स इसके अंदर आ ही रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद नेशनल बैंक नहीं होगा, नेशनल बैंक भी है जी, एनडीपी भी है। अच्छा चले, तकरीबन सारे बैंक ही फिर आ गए। अगर नेशनल बैंक और बैंक ऑफ खैबर है तो इसका मतलब है सारे बैंक ही। अब यहाँ से हमने चूज़ कर लेना है जो मेरा बैंक है, यानी बैंक अल्फला लिमिटेड। ये बैंक अल्फला लिमिटेड किया यहाँ से। यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट का नाम लिखना है, खुद लिखना है। तो मेरा अकाउंट किस नाम पे है, वसीम अहमद खान के नाम पे। यहाँ पे आपने आई बैन नंबर देना है जो कि आपकी चेक बुक के ऊपर आ रहा होगा। तो मैं चेक बुक आपको स्क्रैचशॉट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका आई बैन नंबर आ रहा है PK38ALFH और ये अकाउंट का टाइटल आ रहा है। तो यहाँ पे आप आई बैन नंबर मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ, ये आई बैन नंबर है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक है जी, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आई कंफर्म द बैंक अकाउंट डिटेल्स और नेक्स्ट कर। अब ये पूछ रहा है कि जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करें। ठीक है जी,
क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है, आप बैंक अकाउंट चेंज करने लगे हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको ये देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, जनवरी डे भी आपने सिलेक्ट करना है, मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। ये सब चूज करने के बाद अब आपने इसको ऐड बैंक अकाउंट कर देना। पासवर्ड भी यहाँ पे आपने देना, मेरा क्योंकि पासवर्ड सेव है। तो ये देखें जी, इन्होंने कहा है कि जी वी विल रिव्यू विद इन 3 बिजनेस डेज एंड कंफर्म इन एन ईमेल विद यू। ठीक है जी, तो ये रिक्वेस्ट हमारी तरफ से चली गई है और ये 3 दिन के अंदर अंदर इसको हमें ये हमारा ये अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बैंक अकाउंट अटैच करना है। पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट था बैंक अकाउंट को अटैच करना, उसमें ये होता था कि हमें स्विफ्ट कोड एंटर करना पड़ता था। स्विफ्ट कोड आम रूटीन में ये हर एक को नहीं पता होता, ब्रांच कोड वगैरह तो पता लग जाता है, लेकिन अब आपकी चेकबुक के ऊपर तमाम वो डिटेल्स आ रही होती हैं कि जो आपने उसमें एंटर करनी है। तो ये आपका पूरा आईबीएन नंबर है, PK38ALFA, ये सारा जो है ये आपका आईबीएन नंबर है। इसका ये पहला पार्ट जो है ये आईबीएन से एसोसिएट होता है और यहाँ से 0368 से ये हमारा अकाउंट नंबर है। तो ये डिटेल्स आप इसको करेंगे तो आपका ये एंटर हो जाएगा। और जब आपने नेक्स्ट इसको अपने उसमें अमाउंट को विदड्रॉ भी करना होगा तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से करना है अमाउंट को विदड्रॉ। आपके अकाउंट में कम से कम जो है जो विड्रॉल के लिए $100 होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो ये फिर आपको विड्रॉल की ऑप्शन होगी। यहाँ पे जो भी बैंक हम आ रहे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो जितने बैंक अकाउंट हमने इसके साथ लिंक किए होंगे, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर वो पूछता है, ये देखें यहाँ पे मिनिमम बता रहा है कि आप 100 से कम विड्रॉल कर सकते, और अगर यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर $100 मौजूद नहीं है तो फिर आपका विड्रॉल की ऑप्शन भी यहाँ पे शो नहीं होगी। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी है कि आपने कैसे आप कहते हैं जी लोन पेमेंट, या आप कहते हैं विड्रॉ टू बैंक, ये आप कितनी याददाश्त के लिए अगर आप देना चाहें ऑप्शनल है, रिव्यू में जाएगा, आज का रेट बता देगा, बता ये बता रहा जी कि आपको $1 का जो एक्सचेंज रेट मिलेगा वो 153.6934 ये रेट मिलेगा, और आपके अकाउंट में जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट होगी वो ये 15,369, इसको आप यहाँ से कंफर्म करके विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल कि कैसे जो है ना आप पेयोनियर के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि पेयोनियर का मास्टर कार्ड जो है उसको आप ना मंगवाएं, क्योंकि मास्टर कार्ड पे ये है कि ट्रांजैक्शनल चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। मास्टर कार्ड यहाँ पाकिस्तान में 2 ATM सपोर्ट करती है, एक ATM बैंक अल्फला की सपोर्ट करती है जो पेयोनियर वालों का मास्टर कार्ड है, और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की इसके। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन मिस हो जाती है, आप बैलेंस चेक करते हैं, हर सूरत में ये तकरीबन ना $2.5 आपके जो है ना ये हर ट्रांजैक्शन पे डिडक्ट कर लेते हैं। और आपको ये पता है कि अगर आपने 40,000 निकलवाने हैं तो आपको 20,000 रुपये की 2 ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेगी, यानी 40,000 निकलवाने के लिए आपको $2.5 जो है वो एक दिन में पड़ेंगे, और उसके अलावा बैंक के भी चार्जेस हैं तो वो टोटल यानी आपको अच्छे खासे चार्जेस पड़ जाते हैं। हालांकि अगर आप इसको बैंक में विड्रॉ करवाते हैं तो वो आपके कोई चार्जेस नहीं लगते, यानी आपको सिर्फ एक्सचेंज रेट लगता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, आप $100 विड्रॉ करवाएं, ये 15,369.34 रुपये जो हैं ये आपके बैंक अकाउंट में आधे घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे। पहले ये टाइम तकरीबन 4 दिन तक लग जाते होते थे जब आप पेयोनियर से यानी विड्रॉ करवाते थे, तो अब ये आधे घंटे की इनका टाइम है। और पेयोनियर जो है ये काफ़ी फेमस होता जा रहा है, पहले सिर्फ ये ATM कार्ड ही देते थे, बैंक विड्रॉल नहीं था, लेकिन अब इन्होंने ये भी आसानी कर दिया है और अब पाकिस्तान में ये काफ़ी वर्क कर रहे हैं और इनके बहुत से कस्टमर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए। तो ज़रूर बताइएगा आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा।